हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली WCL के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये हमारे न्यू चैनल पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा ओल्ड चैनल जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है किसी कारण से, और पता नहीं वो चैनल वापस आएगा या नहीं, इसलिए आप लोग नया चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि WCL का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो आज से स्टार्ट हो चुका है, आज सर्वेयर का हुआ है, कल से माइनिंग सरदार का होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ कुछ हिंट दे देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। मतलब हम उम्मीद जता के बोल रहे हैं कि प्रक्रिया यही रहने वाला है। आप लोग जब जाइएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल में बैठाया जाएगा, और बड़ा सा हॉल में बैठाने के बाद आप लोगों को रोल नंबर वाइज बैठा दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको दो तीन काउंटर में बांट दें, मतलब कुछ स्टूडेंट को डेस्क 1 दे, कुछ को डेस्क 2 दे, ऐसे अगर 4 डेस्क है तो डेस्क 1, डेस्क 2, डेस्क 3, डेस्क 4 में सारे स्टूडेंट को बांट दे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को रोल नंबर वाइज बैठने को कहा जाएगा, और एक एक करके आपको डेस्क में जाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को वहाँ पर अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जेरोक्स डॉक्यूमेंट है, वो सबको देना पड़ेगा वहाँ पे। वो आपका डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी और जेरोक्स दोनों को चेक करेंगे और मैच करेंगे कि ओरिजिनल का ही जेरोक्स है या नहीं। एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? इसके बाद फ्रेंड्स, वो लोग चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं। और अरे यार, किसका कॉल आ रहा है? इसके बाद फ्रेंड्स, वो लोग चेक करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसी का जेरोक्स है या नहीं, आपने सब में सेल्फ अटेस्टेड किया है या नहीं। ये सब चीज़ चेक करने के बाद वो जो है आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है फर्दर आगे जांच के लिए भेजेंगे। आगे जांच में जाने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ पे हो सकता है आपका बारीकी से डॉक्यूमेंट जांच हो, आपका जो भी 10th कब दिए हैं, 12th कब दिए हैं, पॉलिटेक्निक कब किए हैं, कितना मार्क्स आया था, OBC कहाँ का है, कहाँ रहते हैं, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, ये सब चीज़ का क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है। मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन होता है, छोटा मोटा इंटरव्यू टाइप से, कि हाँ आप जो है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सब चीज़ चेक करने के लिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का और ज़्यादा गहराई से जांच होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, इतना करने के बाद सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स को जमा ना ले, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है ना, ये बस मेरिट लिस्ट बनाने के लिए किया जा रहा है कि कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है अभी आपका डॉक्यूमेंट जमा ना ले, लेकिन नेक्स्ट बार जो लिस्ट निकलेगा, जिसमें एरिया बाय एरिया आप लोगों का नाम लिखा हुआ रहेगा, और हो सकता है उस समय तक आपका डॉक्यूमेंट आपके पास रहे, और जब आप एरिया में ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा विथ अपॉइंटमेंट लेटर, तो वहाँ पर जो है फ्रेंड्स, आपका सर्टिफिकेट को जमा लिया जाएगा। तो अभी तक हमको यही लगा है, जो भी डिटेल हमको मिल पाया है या जो भी हमको पता चला है अपने पुराने दोस्तों से, कि यही प्रोसेस होने वाला है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।